हाय गाइस, वेलकम टू अन्नपूर्णाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। बाय द वे, इसमें यूज़ तो मैंने सरसों के साथ पालक और मेथी भी की है। तो इसको बनाने के लिए हम 250 ग्राम सरसों, 150 ग्राम पालक और 100 ग्राम मेथी लेंगे और उन्हें अच्छे से ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने से मेरा मतलब है उन्हें अच्छे से काट कर उबाल लेंगे। अब कटी हुई सब्जियों को हम इस तरह के एक मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसे अच्छे से घोट लेंगे। यहाँ पे आप इन सबको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर अगर हम ऐसे किसी मिट्टी के बर्तन में अपने हाथ से घोटेंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको अच्छे से घोटते हुए हम इसमें 2 चम्मच बेसन में पानी मिक्स करके वो भी मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेक्स्चर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। घोटने से मेरा मतलब है इसको अच्छे से पीस लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो जब ये इस तरह का हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी मिक्स करके इसको गैस पे रख देंगे। गैस पे हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे, फिर हम इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ये पक जाए, हम अपना छौंक बनाना शुरू करेंगे। हमें साग में छौंक हम हमेशा घी में ही लगाते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच घी और उसमें मैं डालूँगी जीरा। जीरा भुन जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसमें मैं डालूंगी हींग। साग में हींग डालना बहुत जरूरी होता है। हमारी प्याज भुन जाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टमाटर और लाल मिर्च पाउडर। टमाटर काफ़ी लोग स्किप करते हैं, लेकिन साग में इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब हम अपने टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। हमारा छौंक तैयार होने के बाद मैं इसमें अपना साग डाल दूंगी। तो बस इतनी इजी थी साग की रेसिपी। इसको हम मक्के की रोटी के साथ सर्व करेंगे। साग में घी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको सर्व करते टाइम ऊपर से आप 1/2 चम्मच घी ज़रूर डाल देना। और हाँ, अगर आपको इसी का पालक पनीर बनाना है तो इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देना काट के। लास्ट में मैंने भी डाल दिए थे। ये थी मेरी बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी सरसों के साग की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।